Yes. हम पहले बात करेंगे रमजान में रोजा होता है और इफ्तारी के बाद काफी गर्मी लगी होती है and you want to eat something cold and nice which slices down your throat really well. So हमारे पास वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स हैं. आप इसके आराम से स्कूप्स निकालें और अपनी फैमिली को सर्व करें. नहीं ये पैकेजिंग आई है ऑफ अ बोल. हाउ गुड आर यू एट क्विनेलिंग? यू वांट मी टू क्विनेल? ओके ओके. इसके बहुत आसान सा इजी टैब है व्हिच यू जस्ट. अच्छा वॉल्स इज रियली गुड एनीवे. तो जी बिल्कुल, इट्स रियली रियली गुड डिजर्ट टू सर्व. एंड हियर वी गो, वी हैव वैनिला व्हिच इज अ क्लासिक फ्लेवर. Quinelle. So you take and you shape with 2 tablespoons. Okay, and you slide. Nice, very very. Can you nice. Do that? Repeat after me. I think I can. Try. I think I can. Give it a shot. I think I can. Yeah, just shape it oval. अंडे की तरह उसकी शक्ल लगे. अंडे की तरह शक्ल लगना जरूरी है. हाँ मतलब कुनेल उसको ही कहते हैं ना. As ovular as you can get it. See? Absolutely. Congratulations. There you go. तालियां जी तालियां. Okay. ये बहुत इसका रिच और क्रीमी टेक्सचर होता है और इट कैन आप फ्रूट चाट के साथ, रमजान में हर कोई फ्रूट चाट बनाता है तो डेफिनेटली जब आप फ्रूट चाट बनाए फ्रूट चाट के साथ आप क्रीमी डिलाइट सर्व कर सकते हैं. इससे ज्यादा क्रीमी कोई और चीज हो नहीं सकती एंड इट्स अमेजिंग. इट्स डिलीशियस. इट्स द मोस्ट डिलीशियस आइसक्रीम इन द वर्ल्ड. एक्चुअली दे डोंट कॉल इट आइसक्रीम, दे कॉल इट वॉल्स. या एब्सोल्युटली दे डोंट कॉल इट आइसक्रीम, दे कॉल इट वॉल्स. एनीवे अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ व्हिच इज पालक पकोड़े की चाट. ओके ठीक है. आपको पकोड़े वाली रेसिपी याद है कि पकोड़े का बैटर कैसे बनता है? आप सोचें, आपको पता नहीं है. मुझे पहले तो बेसन डालना है, दैट मच आई नो. एब्सोल्युटली. तो मैं थोड़ा सा बेसन डालता हूं एंड देन यू जस्ट ये लीजिए. कीप. ओके सो मैंने बेसन डाला. बिल्कुल. ओके नाउ व्हाट? ये देख लो मैं तुम लोगों के लिए पकोड़े बना रहा हूं. किसको खाने हैं? आप इसके अंदर अभी तो नहीं खा सकते, इफ्तार पे सीजन करें. नमक वगैरह वगैरह. ओके नमक वगैरह वगैरह. ओके जी ये नमक हस्बे जायका लाल मिर्च हस्बे जायका. लाल मिर्च हस्बे जायका नहीं है, लाल मिर्च होनी चाहिए तेज. लाल मिर्च हैज टू बी तेज. लाल मिर्च हस्बे जायका कैसे हो सकती है? सुपर तेज. थोड़ा सा चाट मसाला डालें. चाट मसाला थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं. Okay. And what about? I want to put flakes. I want to put flakes. Yes, I want to put flakes. Okay. इन्होंने मोटी कुटी भी लाल मिर्च भी डाल दी है. Again, अगर आप इनकी तरह बनाना चाहते. अच्छा आइसक्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, इसको हटा दीजिए. अच्छा जी. There you go. अच्छा जी. आप लोग कोई भी साथ आके हेल्प कर दें, it's okay, it's fine. जी अब बताइए, आगे चलिए. अच्छा इसके अंदर आप पानी डालेंगे. Okay. ठीक है. डाल दिया पानी. और आपको याद है कि हमने क्या बात करी थी पकोड़े के सक्सेसफुल बैटर के लिए? 1:1 का रेशो. 1:1 का रेशो यानी कि जितना बेसन है उससे थोड़ा सा कम, बट प्रीटी मच उतना ही पानी डालें. जितना आपका थिन बैटर होगा उतना आपका पकोड़ा क्रिस्पी होगा. एंड हाउ डिड आई डू विद द बैटर? यू आर डूइंग वेल. ठीक है. या चल जाएगा. बिल्कुल सर. आप मुझे हायर कर लेंगे अपने रेस्टोरेंट में? बिल्कुल आपको मैं हायर कर लूंगी. आई एम श्योर बाय द टाइम जान इज डन आप बिल्कुल रेडी फॉर हायरिंग होंगे. थोड़ा सा और थिन कर लें बैटर. हाँ आई नो है ना. आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मतलब थोड़ा सा थिक बैटर हो गया. और देखिए इसी तरह अच्छी तरह इसको मिक्स करें. मेक श्योर कि कभी भी पकोड़े के बैटर के अंदर. और अगर आप लोग मिक्स नहीं कर सकते तो मुझे बुलवा लीजिए अपने घर पे, मैं मिक्स कर लूंगा सीरियसली. और नहीं तो क्या, मेरे को काम वाम तो है नहीं. आप मुझे ताना तो नहीं दे रहे ना? नहीं नहीं आपको बिल्कुल नहीं. बिल्कुल सही. बिल्कुल कोई ताना नहीं दे रहा. Because I think जब से रमजान शुरू हुआ है I've just been talking and you've been talking. No no it's okay. ऐसे ही है. अच्छा जी हो गया. अब आप इसके अंदर स्पिनच का पत्ता जो कि आपके बहुत करीब पड़ा है इसको डिप करें. So hold it by the stem. Don't have to get your hands dirty. Okay. And इसको हम there you go. So dip the spinach leaves. और यहाँ पे मेरे पास रोज पेटल सूप है जो कि एक बहुत अमेजिंग किचन टॉवल है आपका. हाईली अब्सॉर्बेंट है. और अभी मैं जब ये पकोड़े तल जाएंगे, मेक मी अ फ्यू. मैंने काफ़ी लंबी चाट असेंबल करनी है, बहुत सारी. मतलब नहीं मतलब आपको लग रहा है ना कि मैं बना लूँगा? बिल्कुल आप बना लेंगे. मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि आप थोड़े ज़रा ज़्यादा बना लें, दिल खोल के बना लें. ओके अच्छा सो जूप के बारे में क्या बता रही थी? के बारे में आपको मैं ये बता रही थी कि वो हाईली अब्सॉर्बेंट है. और अभी मैं जो पकोड़े निकालूंगी तो मैं इनको ड्रेन पहले जूप पे करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा है
रोज पेटल का प्रोडक्ट जो कि ऑयल जल्दी जल्दी अब्सॉर्ब करता है. Wow. See, I've found another way of doing this. Oh, okay. It's much easier. ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है. अच्छा, one other thing about pakoras, do not overcrowd the pan. Okay. ठीक है, तो अगर पैन में ज़्यादा पकौड़े होंगे तो वो लिम्प लिम्प होंगे. तो अगर ज़्यादा डाल दिए आपने तो वो फिर. But I think it's good. It's cooking really well. बहुत अच्छा. Yeah. Looks yummy also. Smells good. Yeah. Can we drain them? Actually. Can, right now? You think it's done? ये वाले जो साइड वाले हैं ना वो ड्रेन कर लें आप. Can I have the board? Okay. So it's done? Yeah. The ones that are, can you just put them out on the board? And then okay. We can start the assembly of our chaat. ओके okay. अच्छा जी, हमने पकोड़े जो हैं ये निकाल दिए हैं. कुछ पकोड़े इसमें बन गए हैं, थोड़े से जो नहीं बने हैं. अच्छा, ज़ूप तो बहुत काम आ रहा है आपका. बिल्कुल, ज़ूप बहुत काम आया और उसके साथ साथ रोज़ पेटल का ये सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू है ये भी काम आया, क्योंकि मुझे पसीना आ रहा है, तेज़ गर्मी है. Really अच्छा, वैसे अगर हम सच्ची बात तो ये है कि आपने रोज पेटल के अलावा कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की है? मैंने नहीं की. मैंने कभी कभी दी. ओनली थिंग आई रिमेंबर, दी ओनली थिंग इज आई रिमेंबर एज फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर इज रोज पेटल. ऑनेस्टली इसके डब्बे चेंज होते रहते, उनके कलर चेंज होता रहता. या सीरियसली, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने हमेशा जब भी टिश्यू इस्तेमाल किया है रोज पेटल के अलावा कोई टिश्यू इस्तेमाल नहीं किया. मेरी गाड़ी में, मेरे घर में, हर जगह इट्स ओनली रोज पेटल, दैट्स ऑल. एब्सोल्युटली. अच्छा जी, अब हम असेंबली के बारे में बात करें. यस. ओके, सो ये देखें, ये हम पकोड़े रख रहे हैं. सो यू थिंक आई एम अ गुड हेल्प? यू आर वेरी गुड हेल्प. ओके, आपको मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली नौकरी दे सकती हूँ. आप मुझे रिकमेंड करेंगी ना? बिल्कुल करूँगी. आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके यू कैन गेट अ जॉब. सी हाउ क्विकली इट्स अब्सॉर्बिंग द ऑयल. यप 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 यप. एनीवे, इसके बाद कल हम बात कर रहे थे, कल बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे चना चाट की. yep. So what we're going to do is कि हम चाट असेंबल करेंगे सेपरेट सेपरेट. ओके, इसके ऊपर हम दही डालेंगे. And then we'll do it in layers. We build it up. ओके, आलू डालेंगे and and then again repeat. और मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और दही को मैंने बाय द वे पहले से फ्लेवर कर लिया है विद अ लिटिल बिट ऑफ शुगर. मुझे पसंद है थोड़ी सी हल्की सी मीठी, बट अगर आपको नहीं पसंद, एब्सोल्युटली इट्स योर कॉल. एंड देन आई कैन बिल्ड दिस अप टू. यप. सो आई थिंक ओके, सो दिस इज फाइन. आई एम अ बिट हैवी ऑन द चना. द चना वो आप उसको चाट के अंदर के चने ज़्यादा डालना चाहते हैं या आलू ज़्यादा डालना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल. ये दही है जिसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं. okay. पहले से बता रही हूँ. एंड आई एम जस्ट गोना थ्रो सम मोर योगर्ट ऑन टॉप एंड इफ यू कुड फिनिश इट विद अ गार्निश. ओके, द ग्रीन स्टफ. कैन आई पुट दिस फर्स्ट? यस यस, एब्सोल्युटली. सी आई लव दीस. सेव. आई जस्ट लव सेव. आई जस्ट लव दिस. आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है. एंड देन आई कैन यूज टोमेटोस ऑन इट. यप. और अक्सर लोग टमाटर नहीं खाते, प्याज नहीं खाते अपनी चाट पे, तो ऑब्वियसली अगर आप घर बना रहे हैं यू डू द वेजिटेबल एज यू लाइक. इट लुक्स लाइक मैक्सिकन साल्सा. है ना? हां, इट डज इट डज इट डज. और ये बहुत यमी और डिफरेंट चाट है. और साथ में हमारे कैमरामैन हमें कह रहे हैं ब्रेक ले लें. ब्रेक ले लें. छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले look at this, voila, look at this. I think it's a very, very nice chaat. Taaliyan honi chahiye. Ye maine aur Uruj ne milke banaya. Well, actually, you did. Main sirf aapke help ke. Chote se ek break. Aap se milte break ke baad. We'll be right back.